हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का लाइव टेस्ट है आप सबके लिए, खासतौर पर जो पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम या इसके अलावा प्रिंसिपल, हेडमास्टर, एनिमल हस्बेंड्री, प्राइमरी ऑफिसर का पेपर्स देने जा रहे हैं। खासतौर पर आज का जो सेशन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और पीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि सीनियर असिस्टेंट की एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। और आप सबको इससे एक और फायदा ये मिलेगा कि आप सब ने मॉक टेस्ट से या आर एस अग्रवाल बुक से प्रिपरेशन की है, तो आपको एक तरीका मिलेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ऐसे सॉल्व करने चाहिए। मैं पर्टिकुलर आपको सेशन में इसमें ट्रिक्स सिखाऊंगा, न कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास सेशन आप सबके लिए होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से सेशन आगे कंटिन्यू चलते रहें, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो गाइस, हम लोग ये सेशन शुरू कर रहे हैं। अगर हमारे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। एनीबडी वॉन्ट टू स्टडी मटीरियल रिलेटेड टू पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में दिए गए हमारे ग्रुप्स के लिंक पे क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, हमारी टीम आप तक जुड़ने की कोशिश करेगी। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं स्क्रीन पर, आपने देखे होंगे। शुरू में आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ टफ हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो वाकई ही आपको परेशान करेंगे। सभी तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम करने की कोशिश की है। इस सेशन के अंदर मैक्सिमम टाइम तक हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप सबने काम ये करना है कि अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, अगर आपके पास सुविधा नहीं है, मान लीजिए कोई पेज और पेन नहीं है, तो आप इसको देखिए, तरीका सीखिए कि कैसे हम लोग मैक्सिमम टाइम तक क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास कुछ सुविधा है, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देने की कोशिश करें। कम से कम आप अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड किस लेवल तक है। पहला इसमें आपको क्वेश्चंस दे रखा है, एक आपको इस प्रकार से एक जिसमें कि वर्ड और लेटर्स के नंबर दे रखे हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवंथ, किसके सेवंथ, सातवां नंबर बताना है, लेफ्ट ऑफ फोर। अब देखो, जब भी आपने सीरीज को शुरू करना है, मैंने आपको बिगनिंग बताया था कि आप यहां से इसको लेफ्ट काउंट इधर से गिनेंगे और पीछे से आप राइट गिनेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि उर्दू लैंग्वेज को छोड़कर बाकी हम लोग चाहे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम लोग लिखते हैं, तो वो आप राइट साइड, आप लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, तो इसको ऐसा मानिएगा, ठीक है। आपके पास फोर यहां पर है, तो फोर के आपने लेफ्ट सातवां देखना, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो आपके पास पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह आपके पास क्या आ गया, एम, तो आपने टिक कर देना, एम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली इन द मिडल नाइन और एच, नौ और एच के बिल्कुल बीच में देखना क्या है। आपके पास नौ यहां पर है और एच यहां पर है, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, तो आपने तीन इधर से छोड़ दिए राइट, और आपने तीन इधर से छोड़ दिए, तो आपके पास चार इधर से छोड़ दीजिए, तो पर्टिकुलर एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा, तो बीच में आपके पास कॉमन जो नंबर होगा वह होगा आपका फोर। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्क्रीन पे किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एनीबॉडी फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर जो आपको नेक्स्ट दे रखा है, हम लोग इस पर कोशिश करेंगे कि अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर कर लें। तो इसमें ऐसा करेंगे, कुछ मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, कुछ मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको एक तरीका भी मिलेगा। जब भी कंडीशन प्रिसीडेड की होती है, प्रिसीडेड का मतलब होता है से पहले, तो से पहले की कंडीशंस आपने समझनी है। इसमें पूछा गया कि ऐसे कितने नंबर हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात है, ऐसे कितने नंबर हैं, राइट। तो आपने पहले चेक करना है कि नंबर से पहले वोवल चेक करने हैं, तो आपने यही चेक करना है सी प्रिसीडेड से पहले। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कैसे इतने नंबर हो सकते हैं, उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नंबर से पहले वोवल कितने हैं, देखो आपने यहां से देखा, पहली बार तो वोवल की बात करते हैं, तो आप सबको ध्यान होगा कि ए ई आई ओ यू, तो ये वोवल हैं। तो आपने देखा कि यहां पर नौ से पहले एक तो है और दूसरा कि एट से पहले है, तो आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर वैसे ही आंसर फ्रेम करेंगे। बाकी नहीं मुझे लग रहा कोई भी ऐसा क्वेश्चन, तो आप खुद बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आपके पास दो मिले, तो आपने इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना है। इसी प्रकार से 89th नंबर क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, आपको ऊपर मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, आप स्क्रीन को नोट कर सकते हैं, और पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यही आपके आंसर्स होने चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे, 90 में क्या दे रखा है कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, ऐसे कॉन्सोनेंट कितने हैं। वो कहता है कि इनसे पहले क्या एक नंबर होना चाहिए और फॉलो बाई ए वॉवल, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपका यही आंसर होना चाहिए, यहां पर नंबर और यहां पर वॉवल। तो हम लोग चेक करते हैं जरा कि कितने ऐसे हो सकते हैं,
राइट। तो हम मैं वापस से आपको स्क्रीन पर ले आता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपका जो सही आंसर क्या होना चाहिए, मेरे पास बन रहा है एक तो टू बन गया और एक एम और ई। मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए था, नंबर, फिर वोवल, और फिर हमारे पास क्या नंबर कॉन्सोनेंट और अंत में वोवल आना चाहिए था। ठीक है, इस सीरीज में आगे चलेंगे। हमारे पास यही स्थिति कहां बन रही है, एक तो 4BI में बन रही है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, नंबर और ये कॉन्सोनेंट और ये वोवल। तो मेरे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दो ऐसी कंडीशन बन गई है, तो मैं काम करता हूं। तो मैं इन्हें दो ऑप्शन कहां पर है, सी ऑप्शन में है, तो 90 नंबर का भी सी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने करने होंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे आपको इस प्रकार से पीपीएससी में क्वेश्चन मिलेंगे कि जो आप कभी सोच नहीं सकते हो, जहां से आपने सोचना बंद कर दिया वहां से पीपीएससी आपको सोचकर क्वेश्चन देती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको कहा गया कि कार एग्जीबिशन है, ये 7 कार है आपके पास यहां पर, इनके नेम्स आपको दे रखे हैं कि ये फला 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 नेम है, और आपको एक कंडीशन दे रखी है फेसिंग ईस्ट सच दैट, एक मतलब लाइन के अंदर है। तो मैं काम करता हूं, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली इस प्रकार से। मुझे पता है कि 7 कार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और एज यू विश आपको जैसा अच्छा लगता है। कंडीशन हमें पहली क्या दे रखी है, पहली कंडीशन दे रखी है कि जो हमारे पास कैडिलैक कार है वो कहां पर है, इमीडिएट राइट ऑफ फार्गो। तो मैं काम करता हूं, मैं कहीं भी एक जगह पर फार्गो रख लेता हूं। मान लीजिए मैंने फार्गो यहां पर रख लिया, और आप क्वेश्चन की जितनी भी लैंग्वेज शॉर्ट लिखेंगे उतना आपको आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट तो मैं दे रखा है कि फार्गो 4 टू द राइट ऑफ फैट। तो मैंने एक काम करता हूं कि मैं इसको यहां पर रख लेता हूं फाइट को, तो यहां से 4th 1 2 3 4 हो गया। अगर फिर भी आपको समझने में दिक्कत आती है कि डबल एफ कैसे है, तो आप इसको शॉर्ट ऐसे कर सकते हैं कि फार्गो लिख लीजिए। राइट, अब चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पर। कंडीशन नंबर 3 में हमें कहा गया मारुति वाज द बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, जो मारुति है इन दोनों के बीच में है। अब हमें यह नहीं पता, देखो बहुत ही कॉमन सी चीज है, अगर 7 कार है तो यहां पर तो आप रख नहीं सकते हो। अब ये कंडीशन ये बन गई कि मारुति तो डेफिनेटली बीच में आएगी एम, पर आपको ये नहीं पता कि जो आपने यहां पर पर्टिकुलर गाड़ी को रखा था, जैसे आपके पास बेडफोर्ड इस साइड में आएगी या इसके लेफ्ट या राइट में आएगी। तो इसलिए हमें लास्ट वाला स्टेटमेंट रीड करना होगा। इसमें हमें क्या कहा है कि जो हमारे पास फाइट गाड़ी है, विच वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में है। तो मैं काम करता हूं कि अगर मैं मान लीजिए यहां पर मैं एम्बेसडर रखूंगा, तो इस प्रकार की कंडीशन हमेशा लेफ्ट होगी। तो यहां पर मेरे पास 1, 2 और 3 आ गया, कौन सी गाड़ी आ गई, फाइट आ गई। क्लियर, तो मैंने यहां पर किसे रख लिया, मैंने यहां पर बेडफोर्ड को रख लिया। अंत में हमारे पास कौन सी गाड़ी बच गई वो आप चेक कर सकते हैं, आपके पास कौन सी हो गया, मर्सिडीज हो गया। तो मर्सिडीज का आपने कोड यहां पर MER लगा देना है। राइट, तो मैं काम करता हूं आपके जितने भी क्वेश्चन है मैं उनके सामने इसको फ्रेम कर दूंगा, स्क्रीन को मैं आगे पीछे करके आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहे, विच ऑफ द डेफिनेटली ट्रू, ट्रू इसमें क्या है, फार्गो कार बिटवीन एम्बेसडर और फाइट बिल्कुल भी नहीं है, फार्गो नहीं है, बल्कि स्टेटमेंट में भी हमें क्या कहा गया कि मारुति इन दोनों के बीच में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है हमें कि कैडिलैक जो कार है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज है। मैं चेक करवा देता हूं आपको स्क्रीन पर, मर्सिडीज के बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट है, तो मर्सिडीज के इमीडिएट लेफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। राइट, मर्सिडीज के इमीडिएट बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट आपको ये कहते हैं कैडिलैक बल्कि इसके इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, हमें इस स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 91 भी मैं आपको बताऊंगा, पहले 92 मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, राइट, तो इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन नंबर बी, माफ करना जरा, मैं इसके लिए सॉरी चाहूंगा आप सबसे, मेरे से ये मिस्टेक हो गया। कैडिलैक कार इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर मर्सिडीज और यहां पर कैडिलैक बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, राइट होगा। 91 को हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द करेक्ट पोजीशन ऑफ मर्सिडीज, मर्सिडीज की करेक्ट पोजीशन क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बेडलॉक बेडफोर्ड, बेडफोर्ड की इमीडिएट लेफ्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो होगा नहीं, बिटवीन बेडफोर्ड और फार्गो बिल्कुल भी नहीं होगा, फोर टू द राइट ऑफ मारुति, फोर टू द राइट ऑफ मारुति, तो अगर मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मारुति को यहां फ्रेम किया था, तो मारुति से फोर्थ पोजीशन चेक करिएगा मर्सिडीज की, ये होगी 1, 2, 3 और 4, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बैठेगा, तो मैं इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर दूंगा। पेपर में भी आपको ऐसे ही काम करके आना है। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप सबको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आगे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट दे रखा है कि 93, ये क्वेश्चन नंबर 93 है, इस 93 के अंदर आपने आंसर देना है विच कार आर ऑन द इमीडिएट ईदर साइड ऑफ कैडिलैक, तो इसका आंसर आप सब देंगे, तो कोशिश करिएगा कि इसका आंसर देने की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली ट्रू, मतलब डेफिनेटली ट्रू,
ठीक है, डेफिनेटली ट्रू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका आंसर, तो वही आपने देना है इसका आंसर। ठीक है, तो आपने ऊपर स्क्रीन पर देखना है और उसके मुताबिक अपने आंसर देने हैं। मैं सारी की सारी गाड़ी आपको यहां पर फ्रेम करके दे सकता हूं, 95 बी आप अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस लाइव सेशन को देख रहा हूं कि सबके आंसर कितने आते हैं। अंत में जब वीडियो ऑफ हो जाएगा, पर्टिकुलर सेशन ऑफ हो जाएगा, तो आपने सभी आंसर देने हैं। 96 से 98 के अंदर हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे आपको वहां पर पेपर में पर्टिकुलर जो कि पजल्स मिलेगी। और मैं आपको एक और बताता हूं कंडीशन, अगर आप चाहते हैं कि आपको पजल्स के मैं इस प्रकार से बेहतरीन कंसेप्ट करवा दूं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। पजल के आपको पहली बात तो तीन ट्रिक्स होती हैं। तीन ट्रिक्स क्या होती हैं, कोई भी इसकी ट्रिक की बात करते हैं तो आपको तीन बातें इसकी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो ध्यान रखिएगा। पजल के अंदर सबसे पहले एक बार में आपने पूरी पजल को कवर करना है। एक बार का मतलब ये हो गया कि आपने पूरी पजल को पढ़ना है। जैसे कि इसमें कहा गया कि एक बिल्डिंग में 13 फ्लैट्स हैं, ठीक है, और इसमें 3 फ्लोर हैं, फ्लोर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। भाई मेरे पास 13 जो फ्लैट हैं, इसमें 3 फ्लोर हैं, जिस फ्लोर का नाम हमें क्या दिया गया है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया गया। 5 फ्लैट्स आर अनऑक्यूपाई, इसमें से 5 अनऑक्यूपाई हैं, इसका मतलब बाकी सारे ऑक्यूपाई हैं, जिसमें कि 3 मैनेजर हैं, 2 टीचर्स हैं और 2 लॉयर हैं और 1 डॉक्टर ऑक्यूपाई द रिमेनिंग फ्लैट्स, जो बचे हुए फ्लैट्स में रहते हैं। देर आर एटलीस्ट 3 फ्लैट्स ऑन एनी फ्लोर, नॉट मोर देन 6 फ्लैट्स ऑन एनी फ्लोर। इसमें क्या कहा गया आपको, इसमें कहा गया है कि कम से कम 3 जो फ्लैट्स हैं और किसी भी फ्लोर पर हो सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। नोट, इसमें दूसरी कंडीशन की कि नो टू persons ऑन द सेम प्रोफेशन स्टे ऑन द एनी फ्लोर, जो कि सेम 2 प्रोफेशन के किसी भी एक फ्लोर पर नहीं रुकेंगे। ऑन द सेकंड फ्लोर आउट ऑफ 4 फ्लैट्स, ऑन द सेकंड फ्लोर आउट ऑफ द 4 फ्लैट्स 1 ऑक्यूपेंट इज द लॉयर। मतलब ये हो गया कि सेकंड पर हमारे पास क्या है, 4 में से एक लॉयर है और ओनली 1 नेबर, उसका एक पड़ोसी है, ठीक है, ही हैज ओनली 1 नेबर। और इसके बाद में होगा कि 1 लॉयर लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो द अदर एंड डॉक्टर इज नॉट द नेबर ऑफ एनी ऑफ द लॉयर, नो फ्लैट इज ऑक्यूपाइड ऑन द थर्ड फ्लोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसने पहली ट्रिक तो आपने कवर कर ली, भी एक बार आपने रीड कर लिया। सेकंड टाइम जब आप रीड करेंगे तो आपने क्या करना है कि 2 से 3 सेंटेंस को एक साथ रीड करना है। 2 से, अब पहली बार पढ़ने से आपको पता क्या चल गया, आपको पता ये चल गया कि हाँ यार मैंने एक फ्रेम सेट करना है। भाई मैंने एक फ्रेम सेट करने में, इस फ्रेम को काम करता हूं मैं, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं ताकि हमें सारे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। भाई हमें पहली बार हम इसे रीड करेंगे तो हम इसे एक काम करते हैं इस प्रकार से, मैं इसको सेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइस। तो ये लीजिए, ठीक है, तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा फ्रेम को सेट करूंगा, इसके नीचे बना देते हैं, यहां पर ये 3 हो गया, क्लियर। तो यहां पर उसकी इसके ऊपर रूल हो जाएंगे ऐसे करके, और ये हमारे पास हो गया 1 लाइन, ठीक है, और ये हमारे पास होगी 2 लाइन। अभी पहले तो हम फ्लोर सेट कर देंगे, एक तो हो गया सेकंड और इसमें हो गया फ्लोर, यहां पर एफ लिख देते हैं सेकंड, और ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर, क्लियर। यहां पर हमें इसको फ्लोर की कंडीशन दे दूंगा, जो भी हमारे पास नाम हो गया या इसी को रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में हमें रख लेता हूं कि जो हमारे पास यहां पर पर्टिकुलर जो फ्लैट है, ठीक है, और इसके बाद में हो गया कि ऑक्यूपाई जो रेजिडेंस है वो हो गया, इसके बाद में हो गया कि जो वैकेंट पड़े हैं, खाली पड़े हुए हैं, वो हो गया, और अंत में जो हमारे पास कंडीशंस बचेगी वो बचेगी कि जो यहां पर क्या है, लिविंग है, कौन कौन रह रहा है, कौन कौन नहीं। मैं शॉर्ट में करवाऊंगा, बस मेरे कंसेप्ट पे पकड़ रखनी है आपने। मैंने क्या कहा, पहली बार रीड करो और वैसा फ्रेम सेट कर लो। नंबर 2 पर हमने 2 से 3 लाइने एक साथ पढ़नी है, राइट, 2 से 3 लाइने एक साथ पढ़ेंगे। अब हमें यह कहा गया था 3 मैनेजर, 2 टीचर्स, 2 लॉयर और 1 एक बंदा है, ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 बंदे हैं। अब कंडीशन नंबर 1 कहां से शुरू होती है, कंडीशन नंबर 1 शुरू होती है यहां से गाइस, यहां से आपने रीड करना है, यहां से ऑन द सेकंड फ्लोर। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि सेकंड फ्लोर आउट ऑफ 4 फ्लैट्स, तो मैं काम करता हूं 4 फ्लैट में से, मैं काम करता हूं कि मैंने यहां पर 4 फ्लैट रख लिया, ठीक है। टोटल याद रखिएगा 13 फ्लैट्स उसने कहा था, ठीक है, एंड इसने कहा है कि 1 ऑक्यूपेंट इज द लॉयर, तो एक ऑक्यूपेंट इसमें क्या है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशन दे रहा है कि एक लॉयर है। तो मैं काम करता हूं कि मैं इसके अंदर एल लिख देता हूं लॉयर के लिए और स्लैश में डंडा लगा देता हूं, मुझे पता नहीं सेकंड बंदा कौन है। वो कहता है कि ही हैज ओनली 1 नेबर, इसका मतलब इसके साथ कोई एक बंदा है। 1 लॉयर लिव्स 1 फ्लोर बिलो द अदर, बिलो द अदर, 1 फ्लोर किसी के नीचे रहता है,
अदर कंडीशन हमारे पास हो गई द डॉक्टर इज नॉट ए नेबर ऑफ एनी ऑफ द लॉयर। इसका मतलब ये हो गया कि डॉक्टर किसी भी लॉयर के साथ में एडजस्ट नहीं हो सकता। ये हो भी अब आगे कंडीशन देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास होगी कि नो फ्लैट इज ऑक्यूपाइड ऑन द थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑक्यूपाइड, ये हमारे पास ऑक्यूपाइड नंबर में काम कर देता हूं कि जो वैकेंट पड़े हुए हैं, वैकेंट हो गया मेरे पास दो और तीन में कोई भी नहीं है, और इसका मतलब इसमें मैं कर देता हूं तीन, ठीक है, क्योंकि उसमें कंडीशन हमें कही थी कि दो पहले में है और ये मैं रख लेता हूं कि यहां पर दो दूसरे में हो गया, तीन इसमें हो गया, फिर तीन बच गए, ठीक है, तीन तीन छह और दो आठ हो गए, और जिसमें से दो खाली हैं तीन खाली हैं, ठीक है। अब हमारे पास हो गया कि थर्ड कंडीशन के अंदर उसने क्या कहा था हमें कि तीन जो मेरे पास मैनेजर हैं, तो मैं काम करता हूं कि मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं एक फ्रेम सेट करने की कोशिश करूंगा, ये हो गया छह और चार और तीन दस। अब आप ये सोचेंगे कि सर आपने ये कैसे रख लिया कि छह चार और दस, ये पर्टिकुलर इस पूरे के पूरे फिगर को पढ़ने पर हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ गया है कि यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यही तरीका सेंस निकल रहा है इसका, तो इसी बेस पर मैंने इसे फ्रेम कर लिया है। अब गाइस इसमें आपने शिफ्ट करना है कैंडिडेट को, कैसे कैसे करेंगे उसमें आप, हमें एक कहा गया है कि जो दो वेकेंट है, दो रेजिडेंट है, दो रेजिडेंट है तो लॉयर के साथ कौन है, या तो देखो लॉयर के साथ एक तो टीचर है, ठीक है, ये तो हमने फिक्स कर दिया। अब नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें जो कंडीशन दी है कि नो टू पर्सन ऑन द सेम प्रोफेशन ऑन एनी फ्लोर, इसका मतलब हो गया कि मैंने लॉयर रखा है, टीचर रखा है, तो सेम तो होगा नहीं। अब उसके बाद में थोड़ा आगे और बढ़ते हैं कि आउट ऑफ फोर, ऑन द सेकेंड आउट ऑफ फोर फ्लैट्स वन ऑक्यूपेंट इज लॉयर एंड ही इज ओनली नेबर, वन लॉयर लिव्स ऑन द बिलो द अदर, बिलो द अदर। अब मैं काम करता हूं कि मेरे पास मैनेजर है, तो मैनेजर इसमें तीन थे तो मैनेजर यहां पर एक हो गया, राइट। अब इसके बाद में नंबर टू, यहां पर मैनेजर रख देंगे, हाँ जी मैनेजर तीन थे, माफ करना जरा, सॉरी, इसमें मैनेजर तीन हो गए हमारे पास, और मैनेजर और यहां पर भी मैनेजर हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास नंबर नेक्स्ट पर, मैं कंडीशन नंबर टू पर मैं लेके चलता हूं कि मेरे पास लॉयर हो गया और यहां पर मैं टीचर रख लेता हूं। अब इनमें गाइज क्या हो गया कि या तो लॉयर होगा मेरे पास और या मेरे पास क्या होगा, एक कंडीशन नंबर नेक्स्ट होगी मेरे पास, इसके साथ में टीचर होगा। अब नंबर टू के अंदर या तो मेरे पास लॉयर होगा मेरे पास और एक यहां पर डॉक्टर होगा, और इसके साथ में भी हम डॉक्टर को रख लेते हैं। बस ये आपने फ्रेम करना था। अब इसी बेस पर आपके आंसर्स आ जाएंगे। हाउ मेनी फ्लैट्स आर ऑक्यूपाइड नंबर फोर, नंबर फोर में ऑक्यूपाइड फ्लैट कितने हैं, तो इसमें क्या है हमारे पास तीन है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑक्यूपाइड तीन है। नॉन ऑक्यूपाइड कितने हैं, आपके पास कितने हो गए गाइज, ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको यही चीज समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 97 में हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में कितने हैं, तो थर्ड में आप देख सकते हैं कि आप थर्ड में जैसे चेक करेंगे तो आपके पास आंसर नंबर क्या निकल के आ रहा है, तीन, तो इसमें तीन हो गया, तो ये गाइज आपने टिक कर देना है। 98 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि कॉम्बिनेशन पूछ रहा है सेकंड फ्लोर के अंदर, सेकंड फ्लोर के अंदर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या निकल कर, एक तो लॉयर है और एक मैनेजर है, लॉयर और मैनेजर है, तो इसका मतलब हो गया कि लॉयर और मैनेजर ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम टिक कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है कि यहां पर पर्टिकुलर फाइव पर्सन है सिटिंग ऑन ए बेंच, एक बेंच पर बैठे हैं, तो किस तरह से बैठे हैं, ये बेंच आपके लिए ऐसी स्थिति सताई गई है कि जो लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन से हैं, ठीक है, तो इस ये आंसर आपने करने हैं। सिर्फ आपको तीन क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं और आप में से देख चेक करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों की तैयारी किस लेवल तक की है और इसी के बेस पर आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 102 से 5 तक की एक मैं आपको पजल बनाने की कोशिश करूंगा, ये पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इसको रीड करिएगा, वही तरीका होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि सात कुलीग हैं ए एच जे एस वी डी और आर, ये क्या काम क्या करते हैं कि चार डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट है मार्केटिंग फाइनेंस और एचआर और आईटी है। नॉट मोर देन दो, दो यानी वो किसी भी सेम डिपार्टमेंट, इसमें क्या कहा कि नॉट मोर देन टू यानी दो से ज्यादा है वो डिपार्टमेंट में सेम में काम नहीं करते। हर किसी कैंडिडेट ने एक डिफरेंट शर्ट पहन रखी है और जिनके कलर्स आपको दे रखे हैं कि व्हाइट ब्लू क्रीम पीच एंड ब्लैक एंड येलो पिंक, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में है। और इसके बाद में यहां से स्टेटमेंट हो जाते हैं शुरू, तो मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स के बेस पर मैं आपको एक काम करता हूं कि मैं ये पूरे का पूरा पजल बनाने की कोशिश करूंगा आपके साथ में। पढ़ने के बाद में हमें पता चल गया कि इसके अंदर कितनी है, तीन कैटेगरी है, तीन कैटेगरी कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले मैं ऐसे बनाऊंगा और यहां पर मैं काम करूंगा कि तीन कैटेगरी को इस प्रकार से रखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम रखेंगे यहां पर पर्टिकुलर बात करेंगे कि जिनके नेम आपको दे रखे हैं, पेपर में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और आप विश्वास रखिएगा कि आप पेपर में बहुत कुछ अच्छा करके आने वाले हो,
मैंने रखा ए एच, इसके बाद में हो गया जे, इसके बाद में हो गया एस, इसके बाद में हो गया वी, फिर हो गया मेरे पास डी और एंड में मेरे पास हो गया एक आर। ठीक है, तो आपने ऐसे काम करिएगा, यहां पर आर बना लिया। अब आपको क्या करना है, दो से तीन लाइनें एक साथ पढ़नी है। ए वॉक्स विद जे इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड इज नॉट वेयरिंग व्हाइट शर्ट। ए का काम किसके साथ में है, जे के साथ में है, तो मैं काम करता हूं ए का जे के साथ में है और मार्केट में है, तो मैं काम करता हूं कि यहां पर मैं एम एम लगा देता हूं। क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे की वी वीरिंग येलो टी शर्ट एंड डज नॉट वॉक द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो डेफिनेटली ये चीज याद रखनी है कि जो वी है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं है। इस चीजों को आपने दिमाग में अपने सेट करके भी रखना होगा, बल्कि ये एक येलो टी शर्ट पहन रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैं काम करता हूं कि मैंने यहां पर टी एस टी शर्ट रख दिया, यहां पर इनका मैंने प्रोफेशन रख दिया, जो भी जिस भी मार्केट में काम करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एच वॉक्स विद एस इन द सेम डिपार्टमेंट एंड इज वेयरिंग ब्लैक शर्ट। ये ब्लैक कौन पहन रहा है, एच पहन रहा है, न कि एस पहन रहा है। एच और एस दोनों क्या है, सेम डिपार्टमेंट में है, तो मैं काम करता हूं एच और एस दोनों सेम डिपार्टमेंट में, तो सेम डिपार्टमेंट है कौन सा हमें ये नहीं पता, लेकिन ये चीज क्लियर होगी कि इनमें से एच है वो कौन सी शर्ट पहन रहा है, ब्लैक शर्ट पहन रहा है। आगे बढ़ेंगे, ओनली डी वॉक्स एच आर, इसका मतलब होगा कि एच आर में ओनली एक बंदा है। ठीक है, एंड आर, ये इसमें क्या कहा कि आर इज इन द सेम डिपार्टमेंट वी, तो आर किसके साथ में, वी के साथ में, तो वी और आर दोनों सेम है। क्लियर, तो सेम का मतलब है मेरे पास चार डिपार्टमेंट थे, मार्केटिंग, आईटी, फाइनेंस और एचआर, लेकिन इसमें अब आपकी अगर इंटेलिजेंसी ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। आपको यह कहा गया था कि वी है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं है, जो कि कौन सी येलो शर्ट पहनता है। क्लियर, अब वी है इसका मतलब वी फाइनेंस में नहीं है, तो आर भी फाइनेंस में नहीं होगा। अगर ये फाइनेंस में नहीं होगा तो मेरे डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि कौन सा डिपार्टमेंट होगा, आईटी होगा, क्योंकि दोनों किस में है, सेम डिपार्टमेंट में। अब आईटी होगा तो मेरे पास फाइनेंस कौन सा बच गया, ये दोनों बच गया, क्योंकि एच और एस दोनों सेम डिपार्टमेंट में है, एज पर क्वेश्चन के अंदर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं यहां से, नन इन द मार्केटिंग और आईटी वीरिंग द क्रीम शर्ट, मतलब इनमें से जो ना तो कोई बंदा आईटी में, जो आईटी में काम करता है और मार्केटिंग में काम करता है, वो क्रीम शर्ट नहीं पहनता है। इसका मतलब हो गया कि क्रीम शर्ट पहनने वाला बंदा कौन हो गया, फिर तो भैया यहां पर एचआर बच गया, वो क्रीम शर्ट पहनता है, यही कंडीशन बनेगी ना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हो गया कि जे कौन सी शर्ट पहनता है, पीच पहनता है, तो इसका मतलब हो गया कि जे के मैं यहां पर चलो मैं लिख देता हूं जहां तक पॉसिबल होता है, द ओनली Who is wearing the pink shirt is working in the finance. तो finance के लिए pink shirt है, ठीक है? तो देखो finance में एक तो black हो गया, दूसरा यहां पर क्या हो गया कि pink हो गया। अब अपने पास particular question के अंदर यहां पर B है, तो B का मतलब मेरे पास क्या था, blue shirt हो गया। ठीक है, तो ये blue shirt हो गया था। अब यानी बाकी जो बच गई हैं, हमें नहीं पता यार कौन सी कौन पहनता है, कौन सी कौन नहीं पहनता, लेकिन हमें ये चीज क्लियर कही गई थी सबसे पहली लाइन के अंदर कि व्हाइट शर्ट नहीं पहनता है कौन बंदा मार्केटिंग में काम करने वाला। यहां व्हाइट नहीं पहनी जाती, तो इसका मतलब हो गया कि व्हाइट शर्ट यहां पहनी जाती है। क्लियर, मैं इसको डब्ल्यू एच के कोड से लिख देता हूं, और अंत में जो शर्ट बच गई वो आपने मार्केटिंग के अंदर कर देना है। अब इसके आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसने पूछा है कि क्रीम शर्ट कौन पहनता है, तो क्रीम शर्ट कौन पहनता है कि डी पहनता है, तो डी का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा है कि एस कौन सी शर्ट पहनता है, तो एस आप देखिएगा, एस पिंक शर्ट पहनता है, तो आपने इसमें ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देना है, कोई भी नहीं, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन पे डिपार्टमेंट आर को आर वर्किंग कहां करता है, तो आर कहां करता है, आईटी में करता है, तो इसमें आईटी ऑप्शन नंबर क्या है, एक है, तो ये टिक कर देना आपने। नंबर पांच पे देखते हैं कि हु वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन काम करता है, एक हो गया एच और दूसरा हो गया एस, तो आपने क्या कर देना, एच और एस ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपके पास, सी हो गया, एस एच कहें या एच एस कहें कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। 106 नंबर क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाएं, गाइस मैं आपको सुपर एक तरीका बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होगा। मैंने इससे पहले भी वैसे बताया है कि जो मेल होगा मेल के लिए प्लस रखना है, फीमेल के लिए आपने माइनस रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें क्या है कि पॉइंटिंग टू ए बॉय आलिया से, आलिया का मतलब है कि गर्ल कह रही है किसको, पॉइंटिंग टू ए बॉय, तो इसकी तरफ इशारा करके क्या कहती है, आप पढ़िएगा, ही इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। जब भी ओनली की कंडीशन होती है तो या तो वो खुद के सेल्फ पेरेंट्स फैमिली पे होता है, एक चीज ये क्लियर मान लीजिए। अभी इसका ग्रैंडसन, देखो इसका ये पापा मैंने यहां रखा और इसके पापा का पापा यहां पर प्लस होगा, तभी तो उसका ग्रैंडफादर होगा। अब ग्रैंडफादर का ओनली सन तो उसका फादर होगा, उसके फादर का ये कहते हैं कि ओनली सन है, उसका सन है, इसका मतलब हो गया कि अगर इसके पापा का
मतलब आलिया के पापा का बेटा है तो आलिया भी अपने पापा की बेटी है, तो ये दोनों का रिलेशन क्या निकला, इसका सिस्टर और ये ब्रदर का रिलेशन निकला, इसका मतलब ये रियल फैमिली के मेंबर हैं। तो यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि हाउ बॉयज मदर रिलेटेड टू आलिया, इस बॉयज ध्यान रखिएगा कि अगर इसका ये पापा है तो इसकी मम्मी, यहां पर मैं लिख देता हूं, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का रिलेशन इससे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 106 का क्या होगा, ए यानी मदर होगा। जो इस लड़के की माँ है वो आलिया की क्या लगेगी, जो आलिया की माँ है और इस लड़के की क्या लगेगी, तो दोनों की मदर होगी। क्वेश्चन नंबर 107 दे रखा है, पॉइंटिंग टू ए लेडी इन द फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है उसकी तरफ इशारा करके प्रवीण टोल्ड हर फ्रेंड, यानी अपनी दोस्त को बताता है, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना करके, मैं चेक करूंगा कि आप में से कितने लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 112 से 118 को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा कि राम वॉक्स 2 किलोमीटर, तो आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपने ऐसे बना लेना डायग्राम, ठीक है। जरूरी नहीं है, मैं पहले भी कहता हूं कि जिस तरफ आपका मुंह है आप ईस्ट रख लीजिए, जिस तरफ आपकी बैक का वेस्ट करिएगा, जिस तरफ आपका पॉकेट होती है उसको आपने नॉर्थ मानना है और जो अदर साइड होगी वो साउथ मानना है। इसमें क्या कहा है, राम 2 किलोमीटर जाता है नॉर्थ साइड में, तो यहां ये राम का जो होम होगा, होम स्टेशन होगा, वो सेंटर होगा, यहां से वो 2 किलोमीटर कहां जाता है, नॉर्थ साइड में जाता है यहां पर। अब देखिए इस राम का फेस इस तरफ है तो इसके ऊपर की दिशा में होगा राइट और नीचे की दिशा में होगा लेफ्ट। अब हमें क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, एंड टर्न हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर की तरफ वो घूमता है तो 4 किलोमीटर चलता है, मैंने ऊपर ले गया हूं, एंड ही टर्न्स राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अब वो फिर यहां से राइट करता है तो 4 किलोमीटर चला जाता है। ध्यान रखिएगा कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस यहां बन गई, 2 किलोमीटर डिस्टेंस यहां बन गई, अब उसकी दिशा ऐसी है वो साउथ दिशा को फेस कर रहा है, यानी थर्ड टर्न के अंदर, द टर्न इज थर्ड ही इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब देखिए उसने क्या कहा कि 4 किलोमीटर वो फिर नीचे चला जाता है, 4 किलोमीटर वो फिर वो कहते हैं कि वो राइट चला गया, तो अब वो वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, 4 किलोमीटर हो गया। अब वो कहते हैं कि जहां पर उसे कौन मिलती है, रेनू मिलती है, यहां पर उसे कौन मिलती है, रेनू कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होगा कि इस तरह से वो आ रही थी, कौन, रेनू आ रही थी, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को यहां पर हमने खत्म करना है। पहला हमें क्वेश्चन कहा गया कि आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट टर्न के बाद में कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा था, तो फर्स्ट डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा कि मैं काम करता हूं कि मैं थोड़ा स्केच को चेंज, जी गाइज अब आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो यहां से उसका पहला टर्न हुआ, इस तरफ गया, और यहां से जैसे टर्न किया तो किस दिशा को फेस करेगा, वो ईस्ट को। पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, 108 का, 108 का ऑप्शन नंबर होना चाहिए था डी, यानी ईस्ट डायरेक्शन को फेस करेगा। इसके बाद में बढ़ते हैं कि इफ स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है ए, और उसका फिनिश पॉइंट क्या है बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला ए है और अंत में जो उसका जो लास्ट पॉइंट था बी है, अब इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितनी है, ऊपर देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर, तो नीचे भी कितनी आएगी, 2 किलोमीटर, इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। इसके बाद में देखते हैं फ्रॉम विच डायरेक्शन वाज रेनू कमिंग, रेनू किस डायरेक्शन से आ रही थी, तो रेनू इस डायरेक्शन से आ रही थी। हम इसे क्या आंसर देंगे, हम इसका ऑप्शन नंबर क्या देंगे, डी, मतलब कि अगर वो अंत में इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, क्योंकि यहां से वो चला, यहां उसने क्विट किया, तो ध्यान रखिएगा कि रेनू उसके अपोजिट डायरेक्शन के आमने सामने आ रही थी, तो रेनू किससे, किस तरफ से आ रही थी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 111 पर क्या है कि आफ्टर टेकिंग द सेकंड टर्न इन विच डायरेक्शन ही राम इज वॉकिंग, सेकंड टर्न जैसे ही उसने लिया, देखो फर्स्ट टर्न तो यहां पर हो गया और ये उसने सेकंड कवर किया, और यहां पर अब किस दिशा को फेस कर रहा है, नो साउथ को, माफ कीजिएगा, साउथ को फेस करेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 111 का क्या होना चाहिए, डी, साउथ इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से 12th में क्या कहा गया कि इफ राम इज अगेन रीच द पॉइंट From where he just started, जहां से उसने शुरू किया था, तो अब किस डायरेक्शन में, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ के इसका आंसर दे दोगे। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 113। इसमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया कि एक टूरिस्ट है और वो क्या करता है, ड्राइव करता है अपनी गाड़ी को, 10 किलोमीटर किस तरफ जाता है, वो ईस्ट में जाता है, तो मान लीजिए कि 10 किलोमीटर वो अपने ईस्ट में चला गया, जहां से उसने क्या किया कि 3 किलोमीटर अपने राइट किया, तो 3 किलोमीटर अपने राइट इस तरफ चला गया वो, क्लियर, यहां से समझ चुके हैं आप लोग, ठीक है। अब हमें क्या कहा कि ड्राइव टूवर्ड द वेस्ट टर्निंग टू राइट, मतलब उसने क्या किया कि यहां से 3 किलोमीटर वो नीचे की तरफ गया, तो 3 किलोमीटर नीचे की तरफ जाने पर वहां पर वो स्टॉप हो गया,
इसके बाद में उसने लेफ्ट टर्न किया और किस तरफ चला गया, 2 किलोमीटर। तो लेफ्ट का मतलब है भी इस तरफ वो 2 किलोमीटर और चला गया। अब उसने नीचे जो बची थी रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर उसने कवर कर दी। अब वो यहां पर खड़ा है। पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, विच डायरेक्शन वुड ही बी, यानी किस दिशा में वो है। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखिए, यहां से देखो, यहां से यहां तक टोटल कितनी है, 10 है, तो डेफिनेटली इसके इक्वल भी यहां पर कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। जो 3 ये रही और 7 ये रही, क्लियर, 10 हो गया। इसका मतलब हो गया 10 हो गया, तो अब इसकी इस तरफ डिस्टेंस कितनी बनती है, 3 यहां पर हो गई और 2 यहां पर हो गई, तो 5 हो गई। तो 5 वाला आंसर देखिएगा एक ही ऑप्शन हो गया, बाकी आपको माथापाची करने की जरूरत नहीं है, वो साउथ डायरेक्शन में है, तो साउथ आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से बाकी आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 114 से लेकर 119 तक बहुत आसान होते हैं, इसका मतलब होता है कि ऑड वन आउट वाले निकालने होते हैं। ऑड वन आउट में आपकी डिक्शनरी और आपकी वकैब पे डिपेंड करता है, आपको किसी भी प्रकार से किसी भी करेंसी, देश की करेंसी, कैपिटल, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये डिपेंड ऑन यू। मैं चाहूंगा कि आप 114 से 119 के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करिएगा, थ्रू व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए गाइज, 120 नंबर क्वेश्चन में मैं ट्रिक बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन निकालकर। इसमें पर्टिकुलर ट्रिक बहुत आसान होती है और पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर के पेपर में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। आई होप 80 क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी, आपको 80 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें भी आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपने क्या काम क्या करना है, नोट रखिएगा कि आपने पेयर चेक कर लेना है। पेयर का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे कि ए ए बी बी सी सी, ऐसा तो कुछ नहीं है। नंबर 2 पर आपने क्या करना है कि इनको रिवर्स, रिवर्स का मतलब उल्टी सीरीज चेक कर लेनी है। जैसे मान लो कि ए बी सी डी, कभी कभार क्या करता है कि डी बी ए सी ऐसे, या ए बी सी बी सी ए ए सी डी ए ऐसे आपको घुमा कर देगा। तीसरा इसमें देखो, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, सीरीज चेक करनी है कि मान लीजिए ए बी सी ऐसे तो नहीं बना रहा, फिर वो ए बी सी या ए ए बी ऐसा करके, और अंत में आपने फोर्थ, इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होता है कि आपने डबल केस चेक करना, डबल पेयर तो नहीं बन रहे हैं। अब मैंने इन 4 चीजों पर समझाने के बाद में आपको मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करवाता हूं, जो आपका लॉजिक होता है, लॉजिक आपके सामने होता है, आपने चेक करना है कि यहां पर मुझे पर्टिकुलर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पे देखने में एक चीज नजर आई कि इसमें यार ए बी सी ही रिपीट हो रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि मैं विदाउट पेन विदाउट पेपर ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। इसमें मुझे एबीसी एबीसी रिपीट आया, मैंने ये चेक किया यार, अंत में चला गया मैं कि मैंने ये चेक किया कि यहां पर क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था भाई, यहां पर बी होना चाहिए, तभी तो ये अंत में जाकर क्या बनेगा कि देखो रिवर्स हो गया ना, बी ए सी। अब मैं अगर यहां पर चेक करूंगा तो बिगिनिंग में मेरे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो देखिए क्या बनेगा कि सी ए बी। तो मैंने ये चेक किया कि अंत में बी यहां पर और ए यहां पर है, तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, बाकी मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। 120 नंबर क्वेश्चन का आप इस प्रकार से धड़ल्ले से अपना आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको, ठीक है, फॉर द काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, आपको फिर भी मैं सीरीज बनवाने की कोशिश करूंगा कि अब देखो बी ए हो गया तो यहां पर क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए, तो यहां पर आपको क्या दे रखा है कि सी ए बी दे रखा है। यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए था, बी ए सी होना चाहिए, तो यहां पर पर्टिकुलर आपके पास क्या होना चाहिए, सी ए बी। तो आपको जितने भी मैंने ये फिगर्स बीच में छोड़कर ड्रॉप करवा के जो मैंने टिक किए हैं, आप इनके बेस पर अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइस, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि मेरा मनोबल और भी ज्यादा बढ़ेगा और मैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस और भी करवाने की कोशिश करूंगा। वही 3 तरीके आपको फिर से फोकस करने हैं इन्हीं पे। अब मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज को मैंने देखा तो यार मुझे एक चीज ध्यान है, एन एम तो मुझे दिख ही रहा है लेकिन इसके साथ में ए भी है, तो अब मैंने एन एम ए का कोई फंडा कैसे देखना है, कोई हो सकता है इसकी सीरीज बन रही हो, तो इसी बेस पर मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, क्लियर। अब मैंने देखा कि यहां पर अगर एम है, ठीक है, तो यहां पर n है, तो बीच में क्या होना चाहिए, a होना चाहिए भाई, a से तो सारे शुरू हो रहे हैं, देखो a तो सब में ही है, तो मैं इसका तो आइडिया लगा नहीं सकता। फिर मैं अंत में अगर जाऊं, अंत में जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि m a और यहां पर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए था, इसका मतलब है भी c वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता भैया। अब 3 में फंस गया आंसर, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, मैंने इसको काट दिया। अब देखो यहां पर या तो क्या होना, देखो n से पहले क्या है, a है, n से पहले क्या है, a है, तो इसका मतलब हो गया कि a के बाद में n है ना, तो यहां पर क्या होगा कि a के बाद में n है, तो इसका मतलब होगा कि यहां पर भी क्या होना चाहिए था, n होना चाहिए था।
तो ठीक है, तो n यहां पर देखो, इसके यहां पर n नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, यहां पर n नहीं है, आंसर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे पास, बी हो गया। तो मतलब आपकी अप्रोच काम करेगी, आपने अपनी अप्रोच क्या बिठा रखी है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आपने इसे, ऐसे क्वेश्चन में यही ट्रिक होती है, यानी यही दिमाग होता है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से कैसे काम कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दे दिया गया है और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बहुत परेशान करेगा। इसमें कहा गया इन ईच पार्ट ऑफ द सीरीज देयर इज ए कॉम्बिनेशन बनाया गया ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का विद द सर्टन लेटर्स एंड स्किप्ड एंड और द रिपीटेड, फाइंड द करेक्ट आंसर्स, ठीक है, इंडिकेटिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, क्या आना चाहिए। अब देखो इसमें यहां पर आपको, मैं आपको 3 सेकंड दूंगा, बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं मैं करना चाहता पर क्वेश्चन पे। मेरे पास 3 कैपिटल लेटर हैं और 3 ही उनके स्मॉल हैं, ये बात मैं समझ गया। फिर उसके बाद में 1 मुझे दे रखा है। इसी प्रकार से मैं काम करता हूं, भैया मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सीरीज के अंदर भैया 3 लेटर तो है नहीं कैपिटल और ना ही 3 है, लेकिन मेरे पास क्या है, 2 लेटर कैपिटल 2 स्मॉल है। इसका मतलब हो गया कि 2 कैपिटल, ये देखो कैपिटल और 2 स्मॉल होने चाहिए था, ठीक है, जो है इसके आगे। अब इसका ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे अब ऐसे बढ़ते हैं कि अब देखो इसमें कंडीशन क्या थी कि 3 कैपिटल लेटर्स हैं और उसके आगे 3 स्मॉल हैं और फिर 1 कैपिटल लेटर है, ठीक है। जहां पर मैं देखता हूं अंत में डी वाले में 2 कैपिटल है, 2 स्मॉल है और 1 स्मॉल है, तो लेकिन ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या बच गया यहां पर 122 नंबर पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। बड़ा दिमाग से मैं आंसर करवाने की कोशिश करूंगा आपको। यहां पर 2 कैपिटल 2 स्मॉल फिर 1 आपको आई दे रखा है, ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। अब मैं काम करता हूं इनमें चेक करूंगा, 1 और 3 फिर हो गए, एफ का होता है 6 पर, देखो इन दोनों में कितने बड़े 2, इन दोनों में कितने बड़े 3, क्लियर हो गया। इसका मतलब हो गया कि इस सीरीज में मैं 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आगे लेके चलूंगा। मेरे पास इसी प्रकार से सीरीज बन रही है आई और एल, आई और एल के बीच में कितना डिफरेंस है वही सीरीज में आगे बढ़ाऊंगा, और अंत में मेरे पास यहां पर क्या है जी, अंत में मेरे पास क्या है जी, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1। इसी प्रकार से मैं 2 3 1 का डिफरेंस अगर लेके चलूं तो मेरे पास आगे क्या होना चाहिए था, 2 3 j j के बाद में क्या आना चाहिए था आई, मतलब देखो 2 बढ़ गए मेरे पास, क्लियर। अब इसके बाद में कितने बढ़ेंगे 3, तो कितना होना चाहिए 9 और 3 12, 12 पे होता है L, इसका मतलब इनमें 3। तो अब आप समझ गए कि I और L से सीरीज शुरू होगी, बाकी आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में आया तो प्लीज थंबनेल ऊपर करके बताइएगा सर हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 में है, इसमें आपको देखिए 5 लेटर आपको दे रखे और 5 आ गए हैं, क्या इसमें देखो ए से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 का मतलब होता है ई, ठीक है। अल्फाबेट के अंदर सबको जो सभी लेटर्स याद होने चाहिए, अगर आपसे पूछा जाता है पी आपने 16 बताना है, डब्ल्यू आपने 23 पर बताना है, एल आपने 12 पे बताना है, क्यू आपने 17 पे बताना है, वाई आपने 25 पे बताना है, तो ये सभी चीजें आपके याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये देखा सबसे पहले स्मॉल है बाद में कैपिटल है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, पहले स्मॉल और कैपिटल होना चाहिए, पहले स्मॉल और कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बढ़ लेते हैं, अब इन दोनों में देखो बहुत ही सिंपल से आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। एफ है शुरू के अंदर, एफ देखो एफ होता है 6 पर, 6 और ये होना चाहिए 7 8 9 10, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर बन रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नीचे चेक कर लीजिए 7 8 9 10 11, तो ये भी आंसर पर्टिकुलर बन रहा है, लेकिन आप इसमें मिस्टेक क्या निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसमें मिस्टेक निकालने की कोशिश आपके जिम्मे है, आप खुद बताइएगा कि इसमें बी ऑप्शन क्यों आया और इसका डी आंसर क्यों नहीं आया। मैं जरूर चेक करूंगा आप सबके आंसर्स भी क्या आपके सही है नहीं है, लेकिन पकड़ गए होंगे आप क्या पकड़े हैं कि यहां पर देखिएगा कि बिगनिंग में ए स्मॉल है और यहां पर जी आपको कैपिटल दे रखा है, यही आपकी मिस्टेक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं था, यही एरर आपने पकड़ने हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब देखते हैं आगे, ये है सीरीज, सीरीज आपको 2 तरीके की आएगी, एक तो आएगी लेटर सीरीज, दूसरी आएगी नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपको 2 चीजें पूछी जा सकते हैं, एक तो जैसे कि फिल, जैसे कि सीरीज में फिल करना, और एक आपको रॉन्ग निकालना, रॉन्ग वाले हमेशा परेशान करेंगे। इसमें देखिए 15 थी 45 और 45 थी 135 और 135 थी 405, बिल्कुल आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 के अंदर क्या पूछा जा रहा है। 125 में मैं चेक करूंगा कि मेरे पास 13 से देखो ऐसे देखो सीरीज के अंदर हमेशा ध्यान दे दिया, सीरीज में आपको या तो मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड या आपको एडिशन की सीरीज पूछी जा सकती है, इसके साथ में या तो आपको पूछा जा सकता है स्केल या आपको क्यूब या आपको रूट, ये चीजें हमेशा 6 चीजें आपके 7 चीजें आपके साथ में चलेंगी, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके पेपर में बैठ रहे हैं।
13 से 17 तक जाते हैं। 13 से 17 तक मेरे दिमाग में गया 13 और कितने हो गए मेरे पास 4 17। 17 से 30 तक जाते हैं तो प्लस में मेरे पास 13 इंक्रीज हो गए। अब मैं 13 से 47 तक जाता हूं तो मेरे पास कितने इंक्रीज हो गए 17 इंक्रीज हो गए। अब 47 से 77 तक जाता हूं तो मेरे पास कितने इंक्रीज हो गए मेरे पास यहां पर इन दोनों के बीच में 30 इंक्रीज हो गए। अब मैंने चेक किया यार कि 4 और इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस आया, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस आया, इन दोनों के बीच में 13 का डिफरेंस आया, हो सकता है कि 17 का डिफरेंस हो। ठीक है, तो ये सीरीज बन रही है मेरे पास, तो 17 का डिफरेंस हो तो मैं 30 और 17 टोटल 47 हो गए। अगर मैं 47 77 में ऐड कर देता हूं तो मेरे पास कितना आ गया 11 और 12 124 इसमें आंसर बन रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो एक सीरीज बन गई है, हालांकि 4 पहले आना चाहिए था लेकिन बहरहाल बाद में दे दिया, कोई डिफरेंस नहीं है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। अगर आप सोचेंगे कि सर बाद में क्यों दे दिया, तो 4 फिर उसके बाद में 9 फिर 13 फिर 17 फिर 21 ऐसी सीरीज आपकी ये कंटिन्यू आगे बढ़ाई जा रही है। 126 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में 4 है, इन दोनों के बीच में 9 है, इन दोनों के बीच में 16 है, तो 4 किसका होता है 2 का स्केयर हो गया, फिर ये 3 का स्केयर हो गया, ये 4 का स्केयर हो गया, यहाँ 5 का स्केयर 25, तो 25 जब 50 में जोड़ेंगे तो आप 75 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से आपका 127 नंबर क्वेश्चन है, 3 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दूंगा, इसके ज्यादा मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला हूं। आपने आरएस अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस की है तो आरएस अग्रवाल की बुक में कंसेप्ट बहुत लंबे हैं, लेकिन आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स आरएस अग्रवाल को पकड़ के आगे पेपर में, बस प्रॉब्लम उसे ये होती है कि जब प्रैक्टिस नहीं करते हो आप। ठीक है, अब देखो इसमें कितने बढ़ गए हैं, ये 3 बढ़ गए, यहाँ 5 बढ़ गए, यहाँ 7 बढ़ गए, 9 बढ़ने चाहिए, 15 और 9 कितने होते हैं 24, ऑप्शन नंबर आपका बी। अब देखो 128 वाला आपने करना है तो इसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या इसका आंसर होना चाहिए लाइव सेशन के अंदर, राइट। अब देखते हैं आगे, आगे आपको वही सीरीज आ गई। अब देखो एप्रोप्रिएट लेटर आपने उठाना है और रिप्लेस करना है, ये होगी लेटर सीरीज। इस लेटर सीरीज के अंदर आपने क्या देखा कि W होते हैं 23 पर 23 और फिर 21, 21 के बाद में 18, 18 पे 14, 14 पे 9। भैया यहां पर कितने कम हुए, यहां पर मेरे पास 2 कम हुए। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे पास 4 कम हुए, यहां पर मेरे नहीं, यहां पर 3 कम हुए, यहां पर 4 कम हुए, यहां पर 5 कम हुए, यहां पर 6। तो मैं अगर 9 में से 6 निकाल दूंगा तो 3 का मतलब होता है सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार देखो यहां पर बी, फिर 5, बी होता है 2 पर, फिर 5, फिर 9, फिर 12 और फिर 16 डैश और फिर 23। इसका मतलब पहले 3 बढ़ा, फिर आपके पास 4 बढ़ा, फिर देखो यहां पर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ेंगे, 16 और 3 19, तो 19 का मतलब होता है एस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आपने 131 नंबर क्वेश्चन पे देखना है। ऐसे क्वेश्चंस में आप जैसे स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पी होता है 16 पे लेकिन यहां तो 35 12 कैसे दे रखा है, तो ऐसी सीरीज के अंदर कभी कभार आपको देखो पहली बात तो लेटर्स को ऐड करके दे सकता है, फिर लेटर्स के पर्टिकुलर कोड दिए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पी का कोड क्या है, यहां पर 3 है, ई का कोड 5 है, ए का कोड 1 है और के का कोड 2 है। इसी प्रकार डी का कोड 6 है, आई का कोड 8 है और एन का कोड 9 है और ई का कोड 5 है। इसी प्रकार से आपने इसी के बेस पर काइंड का कोड लिख के नीचे बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपने कोडिंग डिकोडिंग से एक यहां पर एक क्वेश्चन उठाया गया, टर्मिनल की कंडीशन है, जैसे आप इसको देख सकते हैं यहां पर टी 20 पर होता है। ठीक है, टी जैसे 20 पर होता है, नीचे आपको एस दे रखा है जो 19 पर होता है, इसका मतलब है माइनस 1 कर दिया गया। ई मेरे पास 5 पर होता है और डी मेरे पास कितने पर 4 पर होता है, तो माइनस 1 कर दिया। तो ये कंडीशंस क्या है कि मतलब आपके पास एक एक कम हो रही है। जब आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 8 लेटर हों, ध्यान रखिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 8 हों, शुरू के 4 का नीचे हो सकता है कि या तो प्लस प्लस दे दिया जाए, ठीक है, अंत के 4 को फिर वो क्या करेगा पेपर वाला माइनस माइनस कर देगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनती है डेफिनेटली, तो आप इसी चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट लेटर हो गया कि ओरिएंटल आपके पास वर्ड है, इसमें देखने की ऐसे कितने लेटर्स की पेयर बन रहे हैं जो कि अदर में नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि ओ के बाद में पी होना चाहिए जो नहीं है, फिर हो गया ओ पी क्यू आर एस टी, तो ओ के बाद में टी का पेयर बन रहा है। इसी प्रकार से टी, फिर टी के बाद में आगे पेयर नहीं बन रहा, मतलब कि आपने एज पर, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में मैं कहूं कि ए के 3 बाद में डी होता है, देखो ए के 3 बाद में डी हो गया। अगर आप कहेंगे कि ए, जैसे आगे बढ़ेंगे ए बी सी और डी, तीसरा नंबर पर डी आ गया। अगर कहेंगे कि इसी प्रकार से ए के 4 बाद में क्या होगा, तो एफ होगा, ए बी सी डी ई एफ, इसी प्रकार। यहां पर जब एक बार पूरी रीड कर लीजिए सीरीज को ऐसे, फिर उसके बाद में रिवर्स से रीड करिएगा। देखो फिर उतरते हैं आर पर, आर हो गया मेरे पास 18 पे, फिर 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं, छोड़ दीजिए। फिर यहां पर 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है, छोड़ दीजिए।
फिर ई पांच पर है, पांच छह सात आठ नौ नहीं है छोड़ दीजिए। एन 14 पर है, 14 15 16 17 नहीं है छोड़ दीजिए। फिर ये टी 20 पर होता है, 20 21 22 नहीं है, और ए के बाद में बी भी नहीं है। तो फिर आपने रिवर्स इसको गिनना है। कैसे गिनेंगे कि 12 13 14 15 नहीं है, 16 17 18। तो मतलब ये हो गया कि जब अपने एल से काउंट करते वक्त आगे बढ़ेंगे तो आर तक इसका एक जोटा बन गया है। इसी प्रकार फिर आपने ए 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा छोड़ दीजिए। फिर आप टी से गिनेंगे तो टी से भी नहीं बनेगा, क्योंकि टी सबसे बड़ा नंबर है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके ना तो आगे लेफ्ट राइट कोई भी पेयर कभी नहीं बनता। फिर एन पे चलिए, 14 15 16 17 18 नहीं बन रहा। फिर ई का मतलब 5 6 7 8 नहीं बन रहा, 9 10 11 नहीं बन रहा, तो बाकी नहीं। तो इसका मतलब है कि 133 में आपके पास पर्टिकुलर 133 नंबर क्वेश्चन है, जो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं। अब आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब इसके बाद में हो गया कि मोहन, अब चलते हैं 133 नंबर का आंसर क्या बनेगा। मैं बता देता हूं आपके पास कितने बनेंगे, दो बनेंगे ना, तो इसका सी आंसर आ गया। चलिए गाइस, 134 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या है, मोहन इज द 13th फ्रॉम द लेफ्ट। मोहन 13 है किस साइड से, लेफ्ट से। ठीक है, एक लाइन बना लीजिए, मोहन की पोजिशन 13 है लेफ्ट से। जो प्रवीर है वो 12th कहां से है, प्रवीर 12th कहां से, इधर से राइट हो गया और इधर से लेफ्ट हो गया। इसकी पोजिशन कौन सी है, इसकी पोजिशन है 12th। अब हमें कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कि इसकी 12वीं पोजीशन राइट से है, बट कंडीशन ये है कि लेफ्ट साइड से इसकी 18वीं पोजीशन है। तो 13 तो ये है, ये 14 15 16 17 और ये 18, क्लियर हो गया। मतलब इन दोनों के बीच में चार लोग बैठे हुए हैं। अब अगर पेपर में पूछा जाए कि सभी लोग कितने, तो 13 एक साइड में हो गए प्लस 12 एक साइड में हो गए, 4 एक साइड में हो गए, तो आपने कह देना है कि टोटल आपके पास 25 और 4 29 लोग बैठे हैं। ठीक है, कितने लोग बैठे हैं आपके पास, 29 लोग बैठे हैं। कंप्लीट हो गया इस पूरे के पूरे लाइन के अंदर। अब हमें पूछा गया कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर टूवर्ड द राइट ऑफ मोहन। मोहन यहां पर बैठा है, मोहन के राइट में कितने लोग बैठे हैं। बस सवाल हमारा यह है, इस सवाल को आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है कि आपको पूछा गया हाउ मेनी चिल्ड्रन आर टूवर्ड द राइट ऑफ मोहन इन दैट रो। इस लाइन के अंदर मोहन के राइट में कितने लोग बैठे हैं। मोहन का ये बनेगा लेफ्ट और मोहन का राइट आगे आपके पास कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जरूर बताएंगे कि आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें पूछा गया अमंग पी आर टी एस जे एम ओल्डर देन। ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर आपको कहा गया कि एम ओल्डर किससे आर और टी से, एम किससे बड़ा है आर और टी से बड़ा है। अब हमें यह नहीं पता कि टी बड़ा है या आर बड़ा है, क्लियर, लेकिन हमें एक अंज्यूम कर लिया इस चीज को। आगे बोला गया कि जे ओल्डर देन एम, इसका मतलब है जे किससे बड़ा है, एम से बड़ा है। और आगे यह कंडीशन होगी कि एम एंड इज नॉट ओल्डेस्ट, मतलब ये हो गया कि ये सबसे ओल्डेस्ट भी नहीं है। तो हो सकता है कि इसके एंड में जो मेरे पास एक स्टेटमेंट बच गया पी फॉर पप्पू, हो सकता है पप्पू सबसे बड़ा हो। अब पूछा गया कि हु अमंग अस द, मतलब यंगेस्ट बताना है। ऐसी स्थिति के अंदर मेरे प्यारे बंधुओं, जब आपके पास कंप्लीट डेटा नहीं हो तो आप उस पर हमेशा आंसर अपना क्या टिक करिएगा ये। अब देखो इस पर्टिकुलर जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें कहीं भी क्लियर नहीं कहा कि जो टी है वो सबसे छोटी जगह पर है, या हमें ये नहीं कहा कि पी की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। हो सकता है कि हम तो एक जूम कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये भी टिक करके आएंगे, लेकिन आप इसका एरर्स आप छोड़ के आइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर मैन्युफैक्चर टीवी की जाती है। अब टीवी है वो 600 सेट तैयार किए जाते हैं थर्ड ईयर। ठीक है, तीसरे साल में कितने सेट है, 600 सेट तैयार किए। आगे वो कहते हैं कि 700 सेट सातवें साल तैयार किए, मतलब सातवें साल 700 सेट किए। बीच में हो गया 4 5 और 6 और ऊपर हो गया 1 और 2। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का। बीच में 4 साल हो गए, 100 का 4 का मतलब हो गया 25 25। तो हो सकता है ये 625, हो सकता है ये 650, और ये मेरे पास हो गया 675, ये हो गया मेरे पास 8वां 725, ये मेरे पास हो गया 9वां कितना 750, ये मेरे पास हो गया 10वां कितना 775, ये मेरे पास हो गया 11वां कितना 800 हो गया, क्लियर। इसी प्रकार से आप यहां पर कह सकते हैं कि 575, क्लियर, और ऊपर एक नंबर हो गया 550। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ईयर मैंने कंडीशंस दे दी हैं। इसने पूछा है कि प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो 550 आपका आंसर निकल के आ गया। अब इसने क्या पूछा है आपसे, ये पीपीएससी के क्वेश्चन है, ठीक है, मेरी तरफ से बनाए गए क्वेश्चन नहीं बिल्कुल भी। प्रोडक्शन ऑफ द 10th ईयर, तो 10वें साल का क्या बनेगा आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, 10वें साल का कितना है 775, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ, इन सबको जोड़कर आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज, तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें।
ठीक है, तो मैं आपको दो क्वेश्चन और करवाऊंगा। हालांकि सीरीज के अंदर काफी क्वेश्चन हैं, आप भी कहीं ना कहीं ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि बहुत लंबा सेशन हो गया, मैं इसके पार्ट टू करवाऊंगा। इसमें पूछा कि एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन सीरीज होती है उसको हम कहते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका रूल क्या होता है। जब आपने टोटल नंबर की जो एन की वैल्यू निकालनी है या आपको टोटल पूछा जाता है, तो आप निकालते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या करते हैं डी। ए का मतलब होता है कि सबसे पहला नंबर, एन का मतलब होता है टोटल नंबर, और डी का मतलब होता है डिफरेंस। इसके बाद में होता है कि जब अपने इनकी सीरीज का सम निकालते हैं, हम लगाते हैं कि एन अपॉन में टू, और यहां पर मैं लगा देता हूं कि आपको टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कर देते हैं डी और ब्रैकेट बंद। अंत में जब आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर गिवन होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर गिवन होता है, तो आप लगाते हैं n अपॉन में 2 और आपके पास फर्स्ट और ये हो गया आपके पास l फॉर लास्ट और इसे। ये तीन फॉर्मूले आपने हमेशा ध्यान रखने, अपने पल्ले बांध लीजिए गाइस, यही चीज आपके मूल मंत्र है। अब देखो मैं काम करता हूं, मेरे पास पहले पहला नंबर क्या है, मेरे पास a का मतलब है 21। डिफरेंस की बात करूंगा तो डिफरेंस माइनस हो रहा है ना, डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, देखो डिफरेंस निकालने के लिए पहला माइनस सेकंड करेंगे, तो आपने लिखा कि यहाँ डिफरेंस निकालने के लिए माफ सॉरी यार, इसमें सेकंड माइनस वन करते हैं, तो आपने 18 माइनस 21 किया तो माइनस का 3, मतलब 3 कम हो रहा है, तो डिफरेंस आपके पास माइनस 3 आ गया। क्लियर होगी, ठीक है। अब आपको अंत में क्या बोल रहा है कि नंबर, टोटल नंबर आपको दे रखे हैं कि माइनस 81, तो 81 दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं इसको कैसे शिफ्ट करता हूं फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, मेरे पास स्पेस बचा है तो मैं काम करता हूं, मैंने इसको यहां पर फ्रेम करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो मैं कैसे फ्रेम करता हूं, मैंने लिखा यहां पर ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने यहां पर लिखा है कि माइनस 81 इज इक्वल ए का मतलब हो गया पहला नंबर 21 प्लस में एन माइनस वन इंटू डी का मतलब हो गया माइनस के 3। मैं इसको लिखूंगा माइनस के 21 और यहां पर लिखेंगे प्लस 21, फिर प्लस करेंगे माइनस 3 का एन के साथ जो कॉम्बिनेशन करेंगे, ब्रैकेट अगर मैं खोलने की भी कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्वेश्चन क्या निकल के आ गया, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं माइनस के 3 एन और मेरे पास हो गया माइनस और माइनस प्लस का 3। ठीक है, ये हो गया मेरे पास माइनस 81, 21 माइनस में 3 एन एंड प्लस में 3, अब प्लस का 3 और प्लस का 21, तो प्लस का 24 हो गया, यही हुआ ना प्लस का 24, तो प्लस के 24 को जब ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो किसका बन जाएगा माइनस के 24 इज इक्वल माइनस के 3n, माइनस और दोनों कितने हो गए, सम ऑफ द नंबर हो गया 105 ऑफ माइनस। जब भी आपके पास माइनस के 2 से ज्यादा नंबर हैं तो वो जुड़ जाएंगे बट सिंबल उनका माइनस का रहेगा। अब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो इनको कैंसिल कर देंगे, तो अब आपके पास पर्टिकुलर n का मतलब यहां पर हो गया कि 105 अपॉन में 3 करेंगे तो आपके पास 35 हो गया। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज, उसके बाद में माइनस 81 था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी, 35 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो जरूर मुझे बताइएगा। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है, यहां पर पूछा गया है कि टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 3 से बताना है इसमें क्या आंसर होगा। आई होप आपको पूरे सेशन में अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और मुझे जरूर बताएं आपका रिव्यू कि सर कैसा लगा, और आप सब ने हमें टाइम दिया इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करूंगा, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार आप गिल्ज मेंटोर को खूब सारा प्यार करते रहा करें। वंस अगेन मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।